काशी की पंचकोशी यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। यह सबसे लंबी यात्रा है। यह यात्रा गंगा स्नान करने के बाद विशेश्वर दर्शन से शुरू होती है। मेरा नाम है सुखा। क्या करने आई हुई हैं आप? अतर गिराई करने। ये बताइए कि ये क्यों करती हैं आप लोग? ये तीर्थ व्रत होला अपने सुख शांति बदे के। थक गई हैं? बहुत ज्यादा थक गई, घोड़ पिरा था। अब 25 को जे डोली बजा तो जरूर तो पिरैबा करी। अब उम्र हो गई है, अब भगवती का शरीर बात हाथ गोड़ तो पिरैबा करी। यात्रा पांच कोश यानी कि 11 मील के घेरे में होती है। इस यात्रा में यात्री नदी तट के सभी तीर्थों का दर्शन कर दुर्गा कुंड से कंदवा में देवा यत्नों का दर्शन कर रात्रि विश्राम करते हैं। दूसरे दिन भीम चंडी के दर्शन के बाद आराम, तीसरे दिन वरुणा नदी में स्नान, वहाँ स्थित रामेश्वर के दर्शन के बाद विश्राम करते हैं। चौथे दिन यात्री शिवपुर में रुकते हैं। पांचवे दिन कपिलधारा होते हुए फिर से साक्षी विनय पहुंचकर यात्रा पूरी होती है। यात्रा के दौरान यात्री 108 तीर्थ स्थलों और मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करते हैं, जहां 56 शिवलिंग, 11 विनायक, 10 शिवगण, 10 देवियों व 4 विष्णुओं, 2 भैरवों और 15 अन्य तीर्थों में यात्री जाते हैं। हम लोग 4 बजे भोर से मणिकर्णिका घाट होते हुए हम लोग पूरे काशी का परिक्रमा, जो माँ पार्वती काशी का यात्रा की हैं, वहाँ हम लोग आज पूर्णिमा के दिन काशी का परिक्रमा करने के लिए हम लोग आए हैं। इस समय सदर बाजार मंडक के पास में हम लोग हैं। क्या कहेंगे इस परिक्रमा को लेकर? ये सदियों से चला आ रहा है, जो कि लोग बताते हैं कि माँ पार्वती इस परिक्रमा को काशी का एक दिन में कर की थी, इसलिए सब आम जनता आज उन्हीं के परिक्रमा को आज यहाँ पर करता है। समझ लीजिए, तो इस समय आपकी परिक्रमा कहाँ पे जाकर समाप्त होगी? अभी हम लोग यहाँ से उठकर जाएंगे चौकाघाट। आज चौकाघाट में विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद फिर हम लोग भोर में निकल कर मणिकर्णिका घाट, राजघाट होते वरुणा और मुहाने पर, वहाँ पर लोग पूजा पाठ कर फिर मणिकर्णिका घाट जाएंगे। फिर वहाँ से मणिकर्णिका से संकल्प छुड़ाकर सब अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट, और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये पंचकोश यात्रा पे ये महिलाएं आई हुई हैं। सामने भी देखेंगे तो लंबी कतार लगी हुई है, और पीछे भी देखेंगे तो हमारे सहयोगी हम दिखलाना चाहेंगे कि देखिए ये कितना भीड़ लगा हुआ है। लोग चलते चलते थक गए हैं, और थकने की वजह से सारे लोग आराम कर रहे हैं। अभी यह पंचकोश यात्रा समाप्त हुआ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यह पंचकोश यात्रा लगभग 25 किलोमीटर का होता है। यह यात्रा कंदवा से शुरू होता है, वहाँ तालाब है, वहाँ से शुरू होता है, और यह सारनाथ के आगे समाप्त हो जाता है। हम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कितने समय से ये आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हाँ चंद्रशीला। चंद्रशीला, कब से आप यात्रा में निकली हुई हैं? हम लोग 4 बजे भोर से। 4 बजे भोर से कहाँ पे इस समय आई हुई हैं? हम लोग इस समय पुलिस लाइन फुलवरिया में है। फुलवरिया में, तो ये बताएंगे कि ये क्यों यात्रा करती हैं? सब लोग भगवान के लिए, कि भगवान हम लोग को जितने, यानी कि हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बच्चों के लिए सब लोग इसी लिए अपन यात्रा पूरा करता है। अच्छा, ये बताइए कि घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में भैया 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं। बहू हैं कि नहीं? बहुत उठे हैं। बहुत उठे। आपको ये लगता है कि इस समय आपको घर में रहना चाहिए, बहू का सेवा लेना चाहिए, इतनी ठंडी में आप क्यों मर रही हैं? नहीं, हम लोग भगवान के छत्र छाया में है। हाँ। हम लोग भगवान के छत्र छाया में है, हम लोग ठंडी में नहीं है। अच्छा अच्छा, हम लोग के लिए यात्रा बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे कि क्या कब से चली हुई है? कब से चली हुई है? 3 बजे तक बेटा। हाँ, क्या नाम है? सावित्री। कहाँ से आई हुई हैं? डीएलडब्ल्यू। ये बताइए कि ये आपका पंचकोश यात्रा क्यों कर रही हैं? आपका उम्र हो गया घर में रहने के लिए? नहीं, अभी उम्र है पंचकोश करने के लिए। अच्छा, अभी करेंगे तब ना थकाई भागेंगे। घर में बहू नहीं करेंगे सेवा तो हम ना डोल के चले करेंगे ना? बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि
बहुएं की लात खाती हैं तो बाहर में घूमने चली जाती हैं सासे। बहुओं का लात खाएगा चाहिए बेटा, इसलिए बाहर चली आई। चलिए और भी लोग हैं, क्या आपका कहेंगे? मन बढ़ेगा तब ना मार खाएंगे। अब मन नहीं करेगा भाई तो काहे मार खाए। अच्छा ठीक है, और भी लोग बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे हम। बताइए चाची कहाँ पे निकली हुई हैं? शर्मा रही हैं क्योंकि ये लोग देखेंगे, जब इनकी बहुएं देखेंगे कि क्या ये उनके बारे में सोचती हैं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे चाची? अरे बोलिए, इतना लंबी ये लोग शर्मा रही हैं। और भी लोग हैं क्या, कहाँ से आई हुई है? पांडेपुर से। पांडेपुर से बताएंगे? मेहदीगंज मड़ई से आए। अच्छा तो ये सारे लोग, हाँ बताएंगे कुछ? सलारपुर से आए। सलारपुर से किस लिए ये पंचकोश यात्रा कर रही हैं? अरे अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। अच्छा धर्म के लिए? हाँ। तो धर्म में मतलब कि ठंडी लग जाए वो ठीक है? नहीं। हाँ नहीं ठंडी लगेगा। ठंडी नहीं लगे, इतनी सारी बोझ लेकर आप लोग कैसे चल रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान के लिए कि अपने बेटे बेटी के लिए? भगवान जी करे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। हाँ पहले तो महादेव करे हैं ना, तो हम भी कर रहे हैं। क्या कहेंगी? हम जो बोलना था बेटा बोल दिए। ठीक है, क्या कहेंगे चाची? अरे भैया हमने कहा कहल जाए। हाँ अब यात्रा आपका प्रारंभ हो चुका है, अभी ना भला अभी करल जाए। अभी करल जाए। देखिए कि ये लोग कितने, इनके अंदर जोश है, जुनून है। लोग भूख लगी है तो फल भी खा रहे हैं, और ये तमाम लोग यात्रा पे निकले हुए हैं। पैर थक गया है, काफ़ी दूर से चले हुए हैं तो पैर में आप देखेंगे कि नंगे पाँव चल रहे हैं। जिसका थोड़ा सा पैर दर्द कर रहा है वो मोजा पहना हुआ है। ये हाँ देखिए ये चाची कहाँ से आई हुई हैं? हरहुआ से। हरहुआ से कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं? अरे ये कहाँ से नहा धो कर आ रही हैं? अतरगिरी नहा के। हाँ बताइए बताइए। अतरगिरी नहा के। हाँ किस लिए ये पंचकोश कर रही हैं? बाल बच्चा खाते हैं, अपने बाल बच्चा खाती हैं। आपको इस समय रहना चाहिए, बहू की सेवा लेनी चाहिए। आप हाँ। यात्रा में निकली हैं, ऐसा क्यों? हाँ भाई बहू का सेवा कर रहे हैं। बहू की सेवा कर रहे हैं? हाँ बहू का कर रहे, बहू का सेवा। हाँ क्या कहेंगे चाची? हाँ हम भैया, अरे हम लोग यात्रा करते बाल बच्चा के लिए, अब इस समय में क्या करेंगे हम इस उम्र? ये उम्र ठंडी में मतलब रजाई तान के सोने के लिए कि ठंडी में मरने के लिए? नहीं यात्रा करल जाये तो बाल बच्चन के सफल हुई, सफल करने के लिए भैया। सफल करने के लिए? हाँ सफल करने के लिए जी। तो आप ये देख रहे थे सारी महिलाएं जो भी है अपने बेटे बेटियों के लिए ये लोग परिश्रम कर रहे हैं। लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।